हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इनेमल पेंट की प्रोसेस के बारे में कि इनेमल पेंट जब आप करवाते हैं तो किस प्रोसेस के थ्रू आपके घरों में इनेमल पेंट आपको करवाना है, इनेमल पेंट कहां कहां पर यूज होता है और इनेमल पेंट में जो टर्पेंटाइन जो मिलाया जाता है तो उस टर्पेंटाइन को जो क्वांटिटी है आपको कितनी क्वांटिटी मिलानी है और उसकी जो क्वांटिटी है वो किन किन चीज़ों के ऊपर जो वो वेरी करती है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनेमल पेंट यूज़ कहाँ पर होता है। तो देखिए, इनेमल पेंट जो है बेसिकली दो तरीके की सरफेसेस के ऊपर यूज़ होता है। एक तो आपकी वुडन सरफेस हो गई और दूसरी हो गई मेटल सरफेस। और जब हम इनेमल पेंट को करते हैं तो आपकी चाहे वुडन सरफेस हो या फिर मेटेलिक सरफेस हो तो उस सरफेस को जो साफ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और साफ करने के बाद जो है उसके ऊपर आपको जो है 180 नंबर का जो सैंड पेपर से जो उसकी रबिंग करनी चाहिए, जितने भी उसके लूज पार्टिकल्स होते हैं ताकि वो रिमूव हो जाए। फिर जब आपने उसके ऊपर 180 नंबर के एमरी पेपर से जब सेंडिंग कर दिया है तो उसके बाद जो सबसे पहला कोट होगा उसके ऊपर होगा प्राइमर का। अब अगर मान लिया आपकी वुड की सरफेस है तो उसके ऊपर वुड प्राइमर होगा और अगर मेटल की सरफेस है तो उसके ऊपर मेटेलिक प्राइमर किया जाएगा। अब दोस्तों मैं जिस स्टेप के बारे में बात कर रहा हूँ ना, इस स्टेप को ज़्यादातर जो पेंटर हैं और ज़्यादातर जो लोग हैं उनको पता नहीं होता और पेंटर जो इस स्टेप को खा जाते हैं। तो ये जो स्टेप है ये पुट्टी का। अब जैसे कि मान लिया वॉल के ऊपर पेंट होता है तो उसके ऊपर हम जो है अंडुलेशंस को कवर करने के लिए उसके ऊपर हम पुट्टी को लगाते ताकि जो एक प्रॉपर हमें सरफेस मिल जाए। और इसी तरीके से जब गाड़ियों के ऊपर जब डेंटिंग और पेंटिंग का काम होता है तो उसके ऊपर आपकी डेंट्स को फिल करने के लिए जो है उसके ऊपर जो है एक पुट्टी टाइप की लेयर होती है ताकि जो कार की जो एक सरफेस है वो एक स्मूथ सरफेस निकल गया। तो इसी तरीके से जो आपकी जो वुड की जो सरफेस है तो उसके ऊपर तो सेम जो आपका वॉल पे जो आपका पुट्टी होती है सेम पुट्टी उसके ऊपर हो जाती है। लेकिन बात करें मेटल की तो मेटल के ऊपर जो नाइफिंग पेस्ट फिलर्स का यूज किया जाता है जिससे कि मान लिया अगर हल्का बहुत अगर मान लिया अप डाउन है कुछ आपको डेंट से दिख रहे हैं आपके अगर मेटेलिक सरफेस के ऊपर जो आप पेंट कर रहे हैं तो वो चीज जो है वो फिल हो जाए। फिर उसको फिल करने के बाद आपने प्रॉपर इसकी जो है पुट्टी से उसकी फिलिंग कर ली है, फिर उसके ऊपर फिर से जो है आपको सैंडिंग करनी है। फिर सैंडिंग करने के बाद जो है उसके ऊपर एक कोर कोट जो है वो प्राइमर का मारना है। और इससे पहले जो है आपने मान लिया आपने सैंडिंग कर ली और आपको लग रहा है कि अभी भी जो सरफेस है वो प्रॉपर जो है वो ठीक तरीके से निकल के नहीं आ रही तो फिर से जो है आपको सेम पुट्टी का प्रोसेस करना है जब तक कि प्रॉपर ये चीज नहीं निकल के आ जाती। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर जो फिर दूसरा कोट जो है प्राइमर का होगा और दो कोट जब आपने प्राइमर के कर लिए और बीच में जो पुट्टी वाला प्रोसेस है इसको भी कर लिया, फिर उसके बाद बारी आती है पेंट की। और इसी बीच हम बात करते हैं टाइम ड्यूरेशन की। तो इनेमल पेंट में जो टाइम का जो ड्यूरेशन है वो आपको काफ़ी ज़्यादा देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर बात कर मान लिया अगर प्राइमर हुआ है और प्राइमर होने के बाद मान लिया अगर आपको पेंट करना है तो उसका जो बीच का जो गैप है जो टाइमिंग है वो लगभग आपको जो है 6 से लेकर 8 घंटे तक की टाइमिंग रखनी है। और ये चीज़ डिपेंड भी करती है कि वेदर की कंडीशन क्या है। अगर मान लिया वेदर अगर ठंडा है तो फिर टाइम ड्यूरेशन थोड़ी सी बढ़ भी सकती है और अगर मान लिया आपका अगर काफ़ी गर्मी हो रही है तो इसको जो है हम 1-2 घंटे कम भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन एक नॉर्मल एक टाइम की अगर हम एवरेज टाइम की बात करें तो 6 से 8 घंटे की जो टाइमिंग है वो सफिशिएंट रहती है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। और इस बात को मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट कह सकता हूं कि यूट्यूब पे शायद ये पॉइंट जो है किसी भी वीडियो में जो आपको बताया नहीं होगा। तो ये जो पॉइंट है ये है कि अब की टर्पेंटाइन जो ऑयल है वो हमें कितना मिलाना है। तो देखिए ये चीज डिपेंड करती है कि आपका जो इनेमल पेंट है वो कौन से टाइप का। जैसे अगर हम नॉर्मल बात करें इनेमल पेंट जो है 3 फिनिश में आपको मार्केट में मिलेगा। एक आपका सेटिन फिनिश हो गया एंड एक आपका हो गया ग्लॉस और एक हो गया हाई ग्लॉस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेटिन इनेमल के बारे में। तो अगर सेटिन इनेमल अगर आप पेंट लेके आ रहे हैं तो उसमें उस पेंट में जो है उस पेंट की जो डेंसिटी को थोड़ा सा कम करने के लिए उसमें टर्पेंटाइन ऑयल मिलाया जाता है। तो उसमें जो क्वांटिटी है वो लगभग 150 से लेकर के 180 ml के बीच की जो क्वांटिटी जो है वो टर्पेंटाइन ऑयल की रहेगी अगर आपका जो इनेमल पेंट है वो सेटिन फिनिश में है तो। और ये जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है ये 1 लीटर में बताई है। और इसी तरीके से अगर आपका जो पेंट है वो ग्लॉस फिनिश में है तो उसमें जो टर्पेंटाइन ऑयल की जो क्वांटिटी रहेगी वो रहेगी 80 से लेकर के 100 ml के बीच तक। फिर अगर आपका पेंट जो है वो हाई ग्लॉस इनेमल है तो उसमें जो क्वांटिटी रहेगी टर्पेंटाइन की वो लगभग रहेगी 40 ml से लेकर के 80 ml तक के बीच की। तो दोस्तों आप इस तरीके से देख सकते हैं कि तीनों टाइप की फिनिश मतलब जितना ज़्यादा ग्लॉस जो है वो बढ़ता जाएगा उतनी जो क्वांटिटी है टर्पेंटाइन ऑयल की वो कम होती रहेगी और जितना आपका सैटिन और मैट की तरफ जाएगा तो
तो उतनी जो टर्पेंटाइन की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती रहेगी। फिर इनेमल पेंट के भी जो आपके दो कोट जो है वो सरफेस पर होंगे और दोनों कोट के जो बीच का जो टाइमिंग है वो लगभग 8 घंटे का रहेगा। तो दोस्तों अब इसमें ना एक पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट निकल के आता है कि अब जैसे मान लिया आपकी एक सरफेस है, अब उसमें मान लिया एरिया है कम, अब वहाँ पे होने हैं दो कोट, अब दोनों कोट के जो बीच की जो टाइमिंग है वो है 8 घंटे की। तो 8 घंटे हम जनरल अगर हम बात करें तो एक वर्किंग पूरा वर्किंग डे का ही जो है टाइम ड्यूरेशन होता है, मतलब एक दिहाड़ी मान के चलिए। तो अब इसमें जो चीज़ निकल के आती है वो ये कि अगर आप इनेमल पेंट करवा रहे हैं तो उस केस में अगर आपका एरिया कम है तो उसकी जो दिहाड़ी है, उसकी जो लेबर है, वो थोड़ी सी जो आपको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी अगर हम कंपेरिजन करें उसकी वाटर पेंट से। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने इनेमल पेंट की पूरी जो प्रोसेस है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया और जो भी पॉइंट्स से आपके साथ शेयर कर दिया। और ये वीडियो जो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर सकते हैं, और आपको कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।